सब्सक्राइब कीजिए आओ घर सजाएं चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियो। हेलो फ्रेंड, आओ घर सजाएं चैनल में स्वागत है आपका। आज मैं आपको एक तोरण बनाना सिखाऊंगी। देखिए उसमें किस किस सामान की जरूरत पड़ती है मैं आपको बताऊंगी। मैंने यहाँ पे वाइट कलर के ऊन का इस्तेमाल किया हुआ है, एक फ्रेम इस तरह का, ये फ्लावर वाले चिप्स, रेड कलर का मोती, मैंने यहाँ पे रेड कलर का मोती लिया हुआ है, कुछ पत्तियाँ, एक निडल। हम इतने सामान की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए हम किस तरह से तोरण बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे एक नॉट लगाएंगे, इस तरह की मैंने एक नॉट लगाई है और नॉट को हम ये नीचे वाला हमारा सर्कल होता है उसके एक उसमें फंसाएंगे। नॉट फंसाने के बाद देखिए अब हमारा इधर का जो हिस्सा है बराबर पे, इसको हम छोड़ के साइड वाले हिस्से में लेंगे। फिर ये वाला हिस्सा छोड़ के हम इधर के हिस्से में लेंगे, फिर ये वाला हिस्सा छोड़ के हम इधर के हिस्से में लेंगे, ये वाला हिस्सा छोड़ के हम इधर के हिस्से में लेंगे। एक 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 करके हमको इसको छोड़ना है इस तरह से, यहाँ से इस तरह से। देखिए फिर हमारे जो बाकी छूटे हुए सर्कल हैं ये पूरे भर जाएंगे। पूरे भरने के बाद हमारा देखिए इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से हमें इसको पूरा फुल करना है, जितना हम अच्छा भरेंगे इसको उतना ही हमारा फ्लावर अच्छा आएगा। देखिए फ्रेंड इस तरह से हमें पूरा कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड आप इसको गौर से देखिए, इस तरह से हमें इसके फिंगर से दबाएंगे हम इस वाले धागे को इस तरह से। देखिए अब ये वाला छोड़ के हम इधर की साइड लेके आएंगे। आपको ध्यान रखना है हमारे ये बीच वाला हॉल है, अगर हमारे ये खुलता हुआ जाएगा तो हमारा फ्लावर सही आ रहा है, अगर ये हमारा दब जाएगा तो समझ लीजिए हमारा फ्लावर ख़राब हो चुका है। देखिए इस तरह से हमको जैसे इधर की इसकी सीधे इसको छोड़ के इसका साइड वाला हिस्सा लेना है इस तरह से। फिर देखिए आप हमको इसकी सीध छोड़ के इधर का हिस्सा लेना है, इस तरह से हमें पूरे राउंड कंप्लीट करने हैं। देखिए फ्रेंड इस तरह से मेरा पूरा फ्रेम कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने इसी वाले ऊन से मैंने नेडल को डाला है, अब ये वाला ऊन हम सीधा यहाँ से लेके जो हमारा हॉल है उसमें डालेंगे और इस तरह से इसको बांधना शुरू करेंगे। नेक्स्ट हमारा इधर इस वाले हॉल से डालेंगे और ऐसे फिर से बांधना शुरू करेंगे। इसी तरह हमें सारे इसकी सारी कलियों को हमको धीरे धीरे बांधना है इस तरह से। देखिए तरह से देखिए फ्रेंड इस तरह से देखिए मेरा फ्रेम पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने इस सारे फ्लावर को इस तरह से बांध दिया है। अब हम इसको फ्रेम से बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के लिए हम इसको उल्टा करेंगे इस तरह से, हैंड से थोड़ा सा प्रेस करेंगे इस तरह से, ये बड़ा आसानी से निकल जाता है। बचे हुए धागे से हम यहाँ पे एक नॉट लगाएंगे ताकि ये खुले ना।
देखिए फ्रेंड मेरा फ्लावर बन गया है, हम इसको थोड़ा सा इस तरह से फुला देंगे। देखिए मेरा फ्लावर कंप्लीट हो चुका है, मैंने इस तरह से सारे फ्लावर कंप्लीट कर लिए हैं। हमें जितने भी फ्लावर की ज़रूरत पड़ेगी मैंने उतने सारे फ्लावर कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए आपको जितना भी बड़ा तोरण बनाना आप उस हिसाब से फ्लावर बनाइए। इस तरह से मैंने उनके लच्छी से बना ली है। आपको जितना बड़ा भी तोरण बनाना है आप उसके हिसाब से। देखिए फ्रेंड अब हम इसको बराबर का हिस्सा लेने के बाद हम इसके दोनों बराबर के हिस्से लेने हैं। देखिए फ्रेंड इस तरह से अब हम इसके तीन हिस्से करेंगे, हमें इसमें बराबर बराबर के तीन हिस्से करने हैं। देखिए इस तरह से और हम इसको चोटी की तरह बनाएंगे। हमें इसको पूरे इस तरह से चोटी की तरह से कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से हमारा ऊपर का स्टेप कंप्लीट हो चुका है। जो हमारा नीचे का हिस्सा जो बचा हुआ था मैंने इस तरह से उसको कट करके बना दिया है। अब इसी तरह हमें यहाँ पे भी कट करना है। देखिए किस तरह से मैं यहाँ से इतना छोड़ने के बाद इसको यहाँ से फोल्ड कर दूँगी। इधर से हमको बांधना है ताकि हमारे दोनों हिस्से बराबर के हो जाए। देखिए फ्रेंड इस तरह से अब हम इसको कट कर देंगे इसी तरह से। फ्रेंड इस तरह से मैंने पूरा कट कर दिया है और ये हमारा ऊपर का स्टेप पूरा बन के तैयार हो चुका है। देखिए फ्रेंड सबसे पहले हम ये फ्लावर चिप्स डालेंगे इस तरह से, फिर मोती, एक पत्ती, फूल, देखिए फ्रेंड इस तरह से एक मैंने ये चिप्स डाला, एक मोती डाला, फिर पत्ती डाली, फिर से हम एक मोती डालेंगे इस तरह से, एक पत्ती, एक फ्लावर, देखिए फिर इस तरह से फिर से एक मोती, एक पत्ती, एक फ्लावर। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने यहाँ पे तीन फ्लावर लगाए हुए हैं और देखिए एक चिप्स फ्लावर चिप्स और फोर मोती लगाए हुए हैं मैंने। देखिए इस तरह से अब हम इसको जो मैंने ऊपर का हिस्सा बनाया था उसमें फिट करेंगे।
तरह से हमें इसमें फिट करना है। मैं इसमें एक मोती और डालूंगी ताकि हमारा ये दोनों तरफ का हिस्सा इस तरह का दिखेगा। फिर इस मोती में से मैं नीडल निकालूंगी। देखिए इस तरह, थोड़ा सा और मजबूत करना है इसको। फिर इस मोती में से नीडल डालूंगी। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम एक चिप्स डालेंगे। रेड मोती, एक पत्ती, एक फ्लावर, एक मोती, फिर से एक पत्ती, एक फ्लावर, मैंने यहाँ पे तीन तीन फ्लावर डाले हुए हैं। आपको अगर बड़ी बनानी है तो आप और ज़्यादा फ्लावर डालिए। देखिए इस तरह से। देखिए फ्रेंड, हम इधर पीछे से हम अपनी नीडल डालेंगे इस तरह से, और एक जो मोती हमने पहले परोया था इसमें, अब आगे की साइड हम एक मोती और परोएंगे इस तरह से। और इस तरह से हम इस वाले मोती से हम नीडल निकाल के इधर से दोबारा से वापस हम लेकर आएंगे। इस वाले मोती को हम ऊपर रखेंगे। फिर से हम नीडल को इस मोती से निकालेंगे। इस तरह से पीछे वाले मोती से आगे की साइड निकालेंगे। देखिए इस तरह से मेरा कंप्लीट हो गया। देखिए फ्रेंड, मैंने इस तरह से यहाँ पे चिप्स लगा दिए हैं। आपको जिस तरह से भी डेकोरेट करना आप कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इस तरह का एक रिंग लगाऊंगी। रिंग को हम खोलेंगे, यहाँ पे एक रिंग फंसाना है। इस तरह हमें दोनों साइड एक एक रिंग लगाना है ताकि हमारे टंगने में आसानी होगी। फ्रेंड, मेरा तोरण बनके तैयार हो चुका। देखिए कितना सुंदर लग रहा है।